अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आप कहते होंगे आज मैं कहाँ हूँ, ये देखिए आज मैं यहाँ हूँ। ये देखिए स्काई है, ट्रीज हैं मेरी साइड्स पे, और यहाँ पे जी पार्क है जहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। और मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बस आपकी हर सुबह मुस्कुराती हुई स्टार्ट हो, यही है दुआ मेरी। और जी इसके साथ ही थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएं और देखें कि मैंने थोड़ा सा क्या किया है और क्या करके आई हूँ यहाँ पे पहुँचने के लिए, कुछ करने के बाद आई हूँ। ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड। ये है जी मेरे बेटे की फॉइल, और मुझे कब से चाहिए थी, 2 वीक्स हो गए हैं। मैंने हस्बैंड से कहा था कि निकाल के रख दें, क्योंकि जो उनके ऑफिस में चीज़ें होती हैं, कुछ जो पेपर वर्क सारा कुछ होता है वो ही हैंडल कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे उन्हीं से कहना पड़ता है कि प्लीज़ वो निकाल के फॉइल में रेडी कर दें, ताकि मैंने उसे लेके जाना है। और साथ में एनवलॉप है जिसमें जी कभी कभी कैश डालना पड़ता है, कभी कभी चेंज जो कॉइन्स होते हैं वो होते हैं, तो मैं एनवलॉप में डाल लेती हूँ, फिर उसके ऊपर राइट डाउन कर देती हूँ किस लिए है, कहाँ पे है, देने हैं। क्योंकि सम टाइम ट्रांसेक्शन वगैरह, सम टाइम पे वगैरह सारे कार्ड से होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो इसलिए इस तरह से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं सुबह सुबह इसको लेके बैठ गई हूँ, तभी जाना है। बैदुल्ला टाइडी अप करो, जो सुबह सुबह बिखेर दिया मेरा बेटा। Where are you going? Do you know? Where are you going? Oi! Hey Allah, एक तो यहाँ से इतनी अजीब सी स्मेल आ रही होती है, इतनी यहाँ पे कुछ डाला हुआ है, नहीं गंदी नहीं, मैं वियर्ड है, इस वियर्ड से इतनी वियर्ड स्मेल आ रही होती है यहाँ से, मैंने क्या डाला हुआ है। गो गो अपना बेटा, कहाँ जाना है? गो गो वॉश योर हैंड्स, गो, ओके गो, डोंट बी शाय, गो 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 गो, वॉश योर हैंड्स, गो गो, आज गुप्ती का नेम, नेम कहाँ है आपका? योर नेम इज दिस, दिस वन, पुट इट हियर Very good. Knock the door. Okay, बेटा, Allah Hafiz, बेटा। जी तो बेटे को ड्रॉप करने के बाद मैं आ चुकी थी दूसरी जगह पे। जी आपने जगह जानी पहचानी आपकी होगी, ये है जी इन्फेंट नर्सरी स्कूल, जहाँ पे पहले इंशा को मैं ड्रॉप करने आया करती थी। तो काफ़ी डेज के बाद मैंने आज यहाँ का रूट पकड़ा है, और मुझे बड़ा डिफरेंस भी लग रहा था और थोड़ा सा लेट भी था इसलिए। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी हुआ था, मीन जब मैं वीडियो को चेक कर रही थी ना, तो यहाँ पे इतना डार्क था, आई डोंट नो, मीन वाकई डार्क था, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुके ना, तो इस जगह पे तो टोटली कोई डार्क था, पता नहीं क्यों वाई, क्योंकि कलर का भी काफ़ी डिफरेंस पड़ता, मुझे पता होता तो मैं फ्लैश ही ऑन कर लेती, बट वो भी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए तो मैं खुद हैरान हुई हूँ देख के कि वो डार्क क्यों है, मीन पता नहीं। तो यहाँ पे फिर जी रिसेप्शन पे अभी बात हो रही है, तो फॉर्म वगैरह फिल हो रहा है, तो मिलती हूँ आपसे दोबारा। जी आज सुबह तो फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड चले गए थे इंशा को ड्रॉप करने, क्योंकि आज उनका डे ऑफ था, बल्कि बेसिकली उन्होंने हॉलीडेज एक दो बुक किए थे, क्योंकि उन्होंने जो काम करना है, घर का जो काम चल रहा है उसके लिए स्पेशली, क्योंकि उनके हॉलीडेज जो होते हैं पूरे ईयर के तो कुछ लेफ्ट हैं, तो उन्होंने कहा चला मैं किसी तरह से यूज़ कर लूं और कुछ ना कुछ कर लूं, तो इसलिए रात को ही उन्होंने कह दिया था कि जी सुबह मैं इंशा को ड्रॉप करने जाऊंगा। मैं क्या वाई क्यों, तो कहते नहीं मेरा डे ऑफ है तो आप थोड़ा सा ईजी हो जाओगी। मैंने सोचा चले जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो इसलिए बच्चों को वैसे हस्बैंड ने कहा नहीं ब्रेकफास्ट तो करवाना आपने, उनको रेडी करना है, इसलिए मैं बेड में नहीं थी, सुबह उठी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया है, बच्चों को रेडी किया है, लंच वगैरह बनाया है, और फिर जैसा कि आपने देखा है उबैदुल्ला को ड्रॉप किया था। वैसे तो उबैदुल्ला का डे वेनसडे होता है, लेकिन आज मंडे है तो आज मैंने उसको ड्रॉप किया है, क्योंकि उसका सेकेंड डे हमने ले लिया था,
एक और डे उसके लिए ले लिया, बस वन डे एक्स्ट्रा एक और लिया है ताकि उसमें थोड़ा सी एबिलिटी आ सके, थोड़ा सी उसमें कॉन्फिडेंस आ सके, थोड़ा सा वो और थोड़ा सा बच्चा फिर रेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को पता होता है। और आज पता मज़े की चीज़ क्या हुई, आज उसने खुद अपना नेम लगाया है माशाल्लाह, वहाँ पे स्टिक करते हैं कि हाजिरी, वो कहते हैं अटेंडेंस लगवाना, ये वो वाला था तो उसने अटेंडेंस लगवाई और अब खुद ही वो अंदर चला जाता। स्टार्ट में था 1-2 डेज, अब वो थोड़ा सा रोता था, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था, वो फेस बना लेता था, तो अब माशाल्लाह आज जैसे देखे खुद ही चला गया था, आज खुद ही वो अब वो चला जाता है अंदर। और इस तरह से फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ स्टेट वे इन्फेंट स्कूल, मैंने वही बेटे का मीन एडमिशन करवाना था, तो एडमिशन के लिए मैंने कहा चलें जी आज इससे बेटर चांस नहीं है तो इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं अभी सारा एडमिशन करवा के आई हूँ, फॉर्म वगैरह फिल करती हैं टीचर्स, सारा कुछ पूछ के फिर थर्ड बंदे का भी पूछती हैं कि जी कोई है जो आपके बच्चे को पिक कर सके, ड्रॉप कर सके, या कोई हेल्प के लिए कुछ इस तरह से। तो उन्होंने फिर मैंने फिर फ्रेंड का नंबर दिया जिसका भी बेटा सेम बैदुला की क्लास में जाएगा, मीन सेम उसी में, तो उसका नंबर मैंने दे दिया मैंने कहा चलो जी मुझे। तो उसके बाद डेंटिस्ट वगैरह का पूछते हैं, इंश्योरेंस नंबर वगैरह पूछते हैं, नेम, हस्बैंड का ईमेल एड्रेस, सब ऑल डिटेल। तो इस तरह से उनको वो बताया, सबको फॉर्म वगैरह फिल करवा के अभी आई हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट इसीलिए मैं लेके गई थी, तो वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अरे सूरज निकला है, वो देखे सनी सूरज निकला है, तो आज नाइस डे है तो इसलिए मैं बैठ के चलें थोड़ी सी बात करती हूँ। उसके बाद आज मेरा किचन बिखरा हुआ नहीं था, आज मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की, हाँ थोड़ा सा किया मीन ज़्यादा नहीं, कोई बर्तन ज़्यादा बने नहीं थे, क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि बच्चों को पोरिज वगैरह ही खिलाया था मैंने एंड उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट बनना नहीं है, ये कि अभी घर जाती हूँ थोड़ा सा हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ अगर उन्होंने लेना है तो, क्योंकि उन्होंने वर्क करना है तो एनर्जी वाला मीन एफर्ट वाला, तो इसलिए लेस्ट जाके पूछूंगी कि उनका क्या इरादा है। तो उसके बाद फिर मैंने जाना है जी एक जगह, वहाँ पे जाके जी करना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड के साथ जाना है, फ्रेंड ने कहा था कि मेरी जगह पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो रहा है। दरअसल क्या था कि वहाँ पे जाना है क्योंकि वहाँ पे सबको इन्वाइट कर लेते होते हैं कि जो पाकिस्तान में फ्लड वगैरह के हवाले से पैसे वगैरह जो फंड वगैरह इकट्ठा करते हैं हेल्प वगैरह के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलें जी मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती हूँ। वैसे तो हस्बैंड ने कर लिया था, उन पाकिस्तान भिजवा दिए थे फ्लडिंग वगैरह के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं चले कोई बात नहीं मैं थोड़े से देती हूँ और अच्छा से ब्रेकफास्ट इन्जॉय करती हूँ फ्रेंड के साथ, तो इस तरह से उसके साथ जाना, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट आज नहीं बनाना, स्किप करना है, स्किप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये कि मेरा थोड़ा सा आज ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा, 10:30 का टाइम है, तो हालांकि मैं 9:30 कर लेती होती हूँ, तो आज देखते हैं मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। तो चलिए चलते हैं पहले घर और ये ना हो तो पहले चलते हैं घर और जाके चेक करते हैं। चलें जी फिर मैं अभी चलती हूँ और आप सबका डे अच्छे से स्पेंड हो और हैव अ गुड डे टू ऑल। तो फाइनली ये काम तो हो गया है मेरा डन, और ये काम मैं कब से करना चाह रही थी, तो बस ऐसे ऐसे आज मुझे चांस मिला, वो चांस दिया हस्बैंड ने, तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना फायदा उठाऊं, इसलिए तो फाइनली ये भी हो गया है एंड बैदुल्ला का सेकंड वो भी हो गया। लेकिन ये है कि बड़े ही मनी लेते हैं आज उसकी मैंने फूड मनी दिया है क्योंकि ऑनलाइन ही हस्बैंड ने उसका टर्म वाइज पे कर दिया था वेनसडे का, तो अभी मंडे भी स्टार्ट हो चुका है आज से, तो बस लेकिन बस बच्चों की एजुकेशन के लिए स्पेंड करना होता है स्पेंड करना होता है, हमें कुछ भी फ्री नहीं मिलता। बहरहाल मुझे वो भी पूछ रही थी जी आपको कोई यूनिवर्सल या कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, मैं कहा जी नहीं असी विदाउट बेनिफिट्स हाँ सानू नहीं बेनिफिट्स मिलते, तो बस इसी तरह से पे करना पड़ेगा सब कुछ। तो फिर हस्बैंड ने कहा है, मैंने तो कहा था आप सोच लें देख लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं अपनी पॉकेट के हवाले से तो आप फिर करवा दें, वरना नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। कहते नहीं इट्स इम्पोर्टेंट,
इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बैदुल्ला एंड चलें आपको भी थोड़ा सा इजी टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से आज कोई क्लीनिंग, कोई कुकिंग, कोई वॉशिंग नहीं होनी है। तो बस तो ये देखें, अभी तो ना ट्रीज के लीव्स हैं, देखें कितने फुल ट्रीज हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह फुल ट्रीज हैं और कितना नाइस लगता है ना। और अब फिर ये आहिस्ता 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 उतरना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी मीन बस वुडिंग ही रह जाती है, शाखें ही रह जाती हैं, फिर सारे लीव्स गायब हो जाते हैं। तो अभी तो ये मिशन स्टार्ट हुआ है। ये देखें ये कितना प्यारा ट्री है, उसके कलरफुल लीव्स, हाय मुझे इस तरह का ट्री बड़ा ही प्यारा लगता है, कलरफुल ट्री लीव्स होते हैं तो अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से घर पहुंची क्योंकि मुझे था, मेरे माइंड में था कि हापस टाइम का टाइम है, लेकिन 10 o'clock का टाइम था। तो फ्रेंड मेरी गाड़ी में वेट कर रही थी, फिर मैं जल्दी से गई मैं कहीं नाश्ता मिस ना हो जाए। अच्छा ये वैसे जगह वो है, मैं भूल गई थी, मेरी फ्रेंड जहाँ पे अपना अरबी लेसन ले रही है अपनी, माशाल्लाह उनके क्लास वगैरह लेती है, तो उस जगह पे ये अरेंज किया गया था। और जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि डोनेशन वगैरह के लिए मीन पैसे वगैरह कलेक्ट किए जा रहे थे पाकिस्तान की फ्लडिंग के लिए, तो यहाँ पे फिर अरेंज, तो आपने देखा कितना मज़े का अरेंज किया हुआ, ज़बरदस्त अरेंज था, अरेंजमेंट्स बड़े नाइस किए हुए थे। मीन हलवा पूरी थी, हलवा पूरी नहीं, मीन पूड़ियों की जगह वैसे पराठे थे, क्योंकि आई थिंक पराठे इज़ मच बेटर, क्योंकि हलवा पूड़ियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी डीप फ्राई हो जाती है, थोड़ी अनहेल्थी। तो साथ में चने थे, देन में सारे डिज़र्ट वगैरह थी, देसी टी थी, इंग्लिश टी थी, मीन बड़ा ही नाइस लगा मुझे सबके साथ ब्रेकफास्ट करके और मीन लेडीज़ थी सबसे बात करके। जी तो यहाँ पे होता है मेरा आज का मॉर्निंग व्लॉग फिनिश। हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आया होगा, तो बस यहाँ पे उबैदुल्ला को पिक करने आई हूँ, तो अब जाऊँगी घर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बेटा, आप अकेले हो? हाँ, चले गए अभी। नाश्ते था हैंडी, गिव मी हैंडी।